मैंने स्पेशल बनाया है, लेकिन उससे पहले अभी जर्नी देखेंगे। बस से उतरने के बाद मैं थोड़ा सा बाहर जाके थोड़ा सा व्लॉग का वीडियो घुमा लेता हूँ। उसके बाद कैमरा घुमाने के बाद मैं फिर चला जाता हूँ हफीलात, हफीलात कार्ड के लिए, यानी जो यहाँ पे बस कार्ड है उसको हफीलात कार्ड बोलते हैं। तो उस कार्ड को मैं निकाल लेता हूँ मशीन से। उसके बाद मैं बढ़ जाता हूँ आगे की तरफ। जब पहुँचता हूँ मेन रोड में तो मुझे कुछ ऐसा नज़ारा दिखाई देता। उसके बाद मैं बस स्टॉप के पास रहता हूँ, बस स्टॉप के दूसरी तरफ जाता हूँ लोकल बस स्टॉप पे, तो मुझे कुछ यूँ नज़ारा दिखाई देता है रोड की तरफ का। रोड देखते देखते फिर मैं आ जाता हूँ अंदर की तरफ बस का। बस के पास आते ही मैं फिर इरादा करता हूँ कि मुझे अब बीच घूमना चाहिए, तो अबू धाबी की मैं मेन सिटी की तरफ निकल जाता हूँ। मेन सिटी से बीच की दूरी ज़्यादा दूरी नहीं है, पैदल आप जा सकते हैं। तो मैंने पैदल ही जाने का फैसला ले लिया और मैंने मेन सिटी में पैदल चलना चालू कर दिया। तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहा था, तो मुझे इस तरह के नज़ारे कुछ नज़र आ रहे थे, तो मैं इन्हें वीडियो में कैप्चर कर रहा था। और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और मुझे अच्छा भी लग रहा था। ये सारे टावरों को मैंने कब्ज़ा कर लिया अपने मोबाइल के अंदर। लेकिन फिर मैं आगे बढ़ता हूँ तो मुझे ये अच्छे से अच्छे दिखते हैं। ये इस तरह का मुझे इतिहाद का दिखता है, कज़ब का ये व्यू दिखता है, इसका फ़ोटो बहुत ही शानदार आता है। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा और आगे फिर बढ़ता जाता हूँ धीरे धीरे, और मुझे मज़ा भी आता है क्योंकि देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे। और ये सबसे टॉप बिल्डिंग, दूर से देखने में जैसे लगता है ऊपर से किसी ने इसको काट दिया हो, इस तरह वाला ये बिल्डिंग है। तो और आगे बढ़ते हैं, फिर हम बनाते हैं अपना वीडियो, फिर पहुँचते हैं थोड़ी देर में हम बीच के किनारे, बीच में पहुँचते हैं, फिर हम अपने दोस्त लोग को आवाज़ देते हैं और हमारे दोस्त लोग फिर हमें दिखाई देते हैं। लेकिन अभी तो हम केवल यहीं पर थे, रोड क्रॉस होना था हमें। तो रोड से पहले हम सोचे कि फिर इधर वीडियो बना लेते हैं, इधर का थोड़ा सा अच्छा सीन था तो वीडियो बनाने में हमें भी अच्छा लगा था। हमने इस वीडियो में शूट कर लिया इधर का थोड़ा सा वीडियो। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे किनारे पहुँचे, इस तरह से हमें इधर पार्क नजर आ रहा है। पार्क तो अबू धाबी बीच में आप लोग स्वागत है यार, अबू धाबी बीच अभी आप देखने के लिए रेडी हो जाओ। और बहुत ही केवल व्यू दिखेगा, बोलेगा नहीं मुझे, देखिएगा फटाफट फटाफट बीच के करीब तो ऐसा पार्क भी यहाँ पे मिलेगा और बहुत अच्छा शानदार पार्क है। इधर बिल्डिंग का भी बहुत सुहाना मौसम है, इधर गाड़ियाँ भी बहुत चलती है, पार्क ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी बहुत दूर है। तो आप लोग देख रहे हैं अभी बीच को, और ये बीच बहुत ही शानदार बहुत ही खूबसूरत बीच बनाया है। तो इधर चल रही थी बैटरी वाली छोटी छोटी गाड़ियां, लोग चला रहे थे घूम रहे थे। तो हम फिर आगे निकलते हैं, थोड़ा बीच की तरफ वीडियो लेते हैं, बीच का वीडियो लेके साथ में अपना भी ले लेते हैं। आप लोग का स्वागत कर दिया हमने और आगे बढ़ रहे हैं। बस धीरे धीरे दोस्तों के पास पहुंचने वाले थे, हमारे दोस्त वहां पे इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि आने वाला था। वो हमने पहले ही फ़ोन कर दिया था कि मैं इधर हूं, तुम भी आ जाइए जल्दी से जल्दी। तो मैं आ जाता हूं, बस यहां पे मैं वीडियो बनाने लगता हूं। वैसे ही वो लोग भी आने वाले ही होते हैं, वैसे ही वो मेरे को देखते हैं। तो ये देखो ये लोग आवाज़ देने लगते हैं, फिर मैं इनके पास पहुँच जाता हूँ। उसके बाद फिर मैं वीडियो बनाने लगता हूँ चारों तरफ का, बीच के किनारे खड़े होके। और फिर यहाँ पे दो आदमी जा रहे होते, वो हमारी तरफ देख रहे होते, हम वीडियो बना रहे होते। और यहाँ पे हम ये बिल्डिंग का नज़ारा कर रहे हैं, और यहाँ पे हम अपना व्यूज़ स्टिक लेके बनाने लगे फिर से वीडियो। वीडियो हमें बहुत ही अच्छी लग रही थी, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग हमें लगी। और हम फिर आगे निकल जाते हैं दूसरी तरफ बीच में, बहुत अच्छे से बीच आपको हम बीच दिखाते हैं आपको नज़ारा अबू धाबी के बीच का। मैं अंदर जाने का कोई नहीं जाना चाहता, इधर स्टीमर चल रहा है, मैं आपको ट्वेट से दिखा सकता हूं। बस आप लोग देखिए इधर डर बैठा क्योंकि अंदर हो सकते हैं कुछ। से करीब उधर मैं नहीं जा सकता, मेरे लिए परमिशन नहीं है उधर जाने का। उधर जाने के लिए आपको चड्ढा पहन के जाना पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं जा सकता भाई लोग, तो माफ़ी चाहूँगा आप लोग से। तो आप लोग देखते रहें ऐसे ब्लॉग को, प्यार दे, दूर से दिखाएंगे, कहीं कहीं करीब से भी दिखाएंगे। बस यहाँ पे हमें अलाउ नहीं है कि हम अंदर जा सकें अभी, बाद में हम आप लोग को दिखा देंगे सब कुछ, क्योंकि यहाँ पे दो चार
बहुत ही जल्द यही भूल गए तुम लोग। स्वागत है, हमारे दोस्त ने हमारी वीडियो में बहुत ही सपोर्ट हमें किया और इसलिए हम आ चुके हैं अबूधाबी। और अबूधाबी में मैं थोड़ा सा आपको इधर का नज़ारा थोड़ा दिखाऊं कैमरा में, और इधर थोड़ा सा चारों तरफ का कैमरा दिखा दो थोड़ा सा, बहुत अच्छा है, किसी का फोटो नहीं आना था इधर का। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग को दिखा चुके हैं और आप लोग बने रहे हमारे साथ। कितना अच्छा, कितने अच्छे से कैमरामैन ने कैमरा घुमाया आपके लिए। तो आप इसके लिए तो एक लाइक बनता है ना, तो शेयर कर सकते हैं आप वीडियो को और कमेंट करें। तो भैया बैटरी हो गई खलास, तो अब हम लोग जा रहे हैं बीच से बाहर की तरफ क्योंकि बैटरी हो गई खलास। अब बैटरी यहाँ चार्जिंग का कोई सुविधा नहीं है, बहुत दूर से मैं अभी राशन के मस इधर आया और इधर से अभी हो गया, बहुत दूर हो गया। और इधर बीच में हम लोग घूम ले, बीच से हम दूर हैं, बीच में हम जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ रंबल ज़्यादा है, पानी भी ज़्यादा है। तो हमारे दोस्त लोग यहाँ पे हैं और ये लोग डांस और नाच करने वाले हैं बहुत ही जल्दी से। ये लोग ऐसा ऐसा एक्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे और हम लोग भी करेंगे। तो हम फिर यहाँ पे एक्टिंग करते हुए बीच में और सेंटर बीच के पास पहुँचते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा नज़ारा रहता है, यहाँ पे भी खड़े होकर हम कुछ फ़ोटो क्लिक कराते हैं और यहाँ का भी नज़ारा कुछ अच्छा था। यहाँ पे रमल नहीं, फिर हम चल देने का फैसला करते हैं कि चलते हैं रूम पे। तो हम नीचे चलते हैं तो हमें दिख जाता है सुरंग, सुरंग के नीचे से हम पार हो रहे होते हैं। फिर ये हमारे दोस्त लोग भी अंदर से आ रहे होते हैं तो और इनका भी हम वीडियो बना लेते हैं कि निकलो फटाफट सुरंग से और जल्दी आगे बढ़ो। फिर हम पहुंच जाते हैं इस टावर के नीचे, तो टावर के नीचे पहुंच के फिर हम वीडियो बना लेते हैं। और यहाँ पे फिर हम पूछते हैं कि भाई यहाँ से रास्ता है या नहीं, तो फिर हमें रास्ता बता दिया जाता है कि सीधा यहाँ से रास्ता है। तो फिर हम यहाँ से सीधा निकल जाते हैं और सीधा निकलने के बाद फिर हम अपना रास्ता बस पकड़ के फिर हम आगे निकलने लगते हैं अपने कैंप के लिए। तो हम पहुँचते हैं शेख जैद मस्जिद, शेख जैद मस्जिद पहुँचने के बाद हमें दिख जाता है ये खजूरों का बाग। तो खजूरों का बाग का भी हमने वीडियो बनाने की कोशिश की। फिर हमने विलेज के पास से पहुँच जाते हैं शेख जैद मस्जिद और शेख जैद मस्जिद का कुछ वीडियो व्यू देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो शो फाइनली आप लोग देख ही रहे हैं शेख जैद मस्जिद कितना बेहतरीन, कितना खूबसूरत मस्जिद बनाया है इसको। तो हमने भी फैसला कर लिया कि अब आगे का दूसरी तरफ का, एक तरफ का आपको दिखा चुके, दूसरी तरफ का भी बाद आपको दिखाएंगे। तो चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा, फिर सब बहुत अच्छा है शेख जैद मस्जिद सामने आपको दिख रहा होगा। और इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा आगे चलने के बाद हम लोग फिर शेख जैद मस्जिद की तरफ फ़ोटो लेते हैं, ब्रिज आ जाती है तो हम फोटो ले नहीं पाते हैं। उसके बाद ये शेख जैद मस्जिद का 6 नंबर गेट है, इसके बाद हम फिर सीधा चलने लगते हैं। फिर हम थोड़ा आगे पहुँचते हैं समुंदर के पास, फिर हम ये टावर के पास बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं। इसके बाद हम एक्वेरियम के पास गए, इंटरनेशनल एक्वेरियम है, दुनिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम है। यहाँ पर हम पहुँचने के बाद इसका भी नेशनल एक्वेरियम, तो ये बहुत बड़ा एक्वेरियम है और यहाँ पर हम पहुँचने के बाद इसका भी वीडियो लेते हैं तो हमको थोड़ा सा अच्छा लग रहा होता है। और ये मेन रोड अबू धाबी में है, शेख जैद रोड में। तो चलो फिर और आगे चलते हैं, फिर यहाँ रिक्शॉट में जाते हैं, ये भी हमें बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद हम आगे निकल जाते हैं, फिर हम अबू धाबी छोड़ के अब पहुँच जाते हैं आउट एरिया में। अबू धाबी से मुशफ़ा की तरफ जाते हुए हम बहुत ही तेज के साथ, हमारी बस अभी सबसे ज़्यादा स्पीड में है और जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ते हुए हल्का हल्का वीडियो बनाते हुए फिर हम और भी आगे बढ़ जाते हैं। तो चलो अब रोड का व्यू देखो। तो ये है हमारा बस के बाहर का नज़ारा, ये जंगल की तरफ चल रही है बस और ये बहुत खूबसूरत बस के अंदर कुछ यूँ बस है और बैक साइड का नज़ारा कुछ यूँ है क्योंकि गाड़ियाँ चल रही हैं साइड साइड में और हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। फिर हम पहुँच जाते हैं अलवतबा वतबा साउथ में पहुँचते हैं, उधर हमें कुछ इस तरह का दिखाई देता है जब हम अपना बनियास ईस्ट में पहुँचते हैं तो हमें कुछ इस तरह का नज़ारा दिखाई देता है। फिर हम बनियास से निकल जाते हैं चाइना कैंप की तरफ, क्योंकि चाइना कैंप के पास हम पहुँच चुके हैं। चाइना का हम पहुँचते हैं दूर से कुछ यूँ वीडियो लेते हैं, जैसे लग रहा है सेटेलाइट से आ रहा है इस तरह का वीडियो आता है क्योंकि हाइट एरिया से बस नीचे की तरफ ड्रॉप हो रही थी। चलो फिर अब थोड़ा सा अबू धाबी का बैक नज़ारा आपको